नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे लिंग किसे कहते हैं एवं लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग की परिभाषा, किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो शब्द हमें किसी स्त्री, औरत, पुरुष या आदमी की पहचान कराएं, उन्हें लिंग कहा जाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, हाथी, चूहा आदि। स्त्रीलिंग की परिभाषा, स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, हथिनी, चूहिया आदि। आइए बच्चों, अब हम लिंग का वाक्य के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है उसका प्रयोग करना सीखेंगे। हाथी नाच रहा है, इसमें हाथी पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हथिनी नाच रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। पिताजी खाना खाते हैं, माताजी खाना खाती हैं। मालिन पौधों को पानी देती है। अब मालिन स्त्रीलिंग है, इसको हम पुल्लिंग में बदलेंगे। माली पौधों को पानी देता है। इस तरह से हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल कर देखा और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल कर देखा है। धन्यवाद।